द वाटलिंग राइम का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर, यानी कि सुबह के समय या तो शाम के वक्त, आर द टाइम टू वाटर, यानी कि यही वो समय है जब क्या दिया जाता है, पानी दिया जाता है। एवरी काइंड ऑफ फ्लावर, यानी कि प्रत्येक प्रकार के फूलों का पानी देने का समय या तो सुबह का होता है या तो शाम का होता है। वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज हाई डज नॉट हेल्प द फ्लावर्स, ओनली मेक देम डाई। अगर हम लोग नून डे यानी कि दोपहर में फूल को पानी दे, जिस समय सूरज क्या होता है अपनी ऊंचाई पर होता है, उस समय यह फूलों को मदद नहीं करता बल्कि यह फूलों को मारने में मदद करता है, ये पानी, जब हम दोपहर में फूलों को पानी डालते हैं। ऑल्सो वेन यू वाटर एंड वेन यू वाटर वाटर एट द रूट्स, अगर आप पानी दें जड़ों में, फ्लावर कीप देयर माउथ वेयर वी शुड वेयर आवर बूट्स, यानी कि जब हम फूल के पास खड़े होकर जब उसके जड़ में पानी देते हैं तो क्या होता है, वो फूलों का जो जड़ है ना वो उसका मुंह होता है, सोक द अर्थ अराउंड देम, जो उस पानी को पृथ्वी में सोखने में मदद करता है। देन थ्रू ऑल द हीट द फ्लावर विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट, यानी कि ये जो पानी जब हम उसके जड़ में देते हैं तो वह उस पानी को सोख लेता है, और जब दोपहर में जब ज्यादा गर्मी होती है उसी क्षण वो अपने पानी का इस्तेमाल अपने पैरों से अपने पूरे बॉडी में करता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, इसके राइटर है पीए रूप्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो द विविंग ट्री में।